प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित डाक टिकटों की एक श्रृंखला और भगवान राम के सम्मान में दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। ये किताब भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का प्रयास है। 48 पेजों की इस पुस्तक में 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को शामिल किया गया है। इन टिकटों के डिजाइन में 6 अलग अलग तरह से राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाया गया है। टिकटों में चित्रों में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी सूर्य का चित्र, पवित्र सरयू नदी और मंदिर में और उसके आसपास पाई गई मूर्तियां शामिल है। संग्रह की 6 टिकटें रामायण के प्रमुख पात्रों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये पोस्टल स्टैम्प विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं। जब कोई डाक टिकट जारी होता है, जब इसे कोई भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र नहीं भेजता, बल्कि पत्र के माध्यम से इतिहास के अंश को दूसरे तक पहुँचा देता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास की किताबों की रूपों और ऐतिहासिक क्षणों का छोटा रूप भी होता है। इनमें युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, डाक टिकट बड़ी बड़ी सोच का एक छोटा बैंक होता है। डाक विभाग को संतों का मार्गदर्शन मिला। डाक टिकट विचार और ऐतिहासिक लंबे संजोते हैं। डाक टिकट अगली पीढ़ी तक संदेश पहुंचाते हैं। पीएम मोदी ने अपने इस वीडियो संदेश में डाक टिकट के जारी होने पर देश की जनता को बधाई भी दी। बता दें कि डाक टिकट में 48 पृष्ठों की एक पुस्तक भी है, जो भगवान राम के प्रति अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धा और प्रकाश डालती है। यह पुस्तक संयुक्त राज्य अमरीका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को प्रदर्शित करती है। इस संग्रह का उद्देश्य दुनिया भर के विविध समाजों पर भगवान राम की सार्वभौमिक अपील और प्रभाव को रेखांकित करना है। नमस्कार, राम राम। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट
सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है।